अब अगली बार मिलेगी तो यहाँ पे पूरा सिंदूर उंदूर लगा के मिलेगी। पाँच बार साथ में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो मैं जल्दी से जैसे ही वरमाला हुआ मैंने सोचा कि मैं ये लहंगा खोल देती हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे साड़ी चेंज करके आई तो यहाँ पे ये भाभी के पापा हैं, इन्होंने कुछ बोला मुझे बट समझ नहीं आ रहा था। जो दूल्हन है उसका जो नथ है ना वो निकल गया था तो वो इतने प्यार से बुला के बोल रहे थे। ये चीज़ तो होती है यार, एक बाप ने जितनी उससे अपनी बेटी को पाला होता है ना, पोसा होता है, उतना मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़िंदगी में कोई नहीं रखता जितना एक बाप रखता है अपनी बेटी का। मतलब उनको ना ध्यान था कि आरती ने ऐसा कुछ पहना है वो निकल गया है, तो उन्होंने इतने उससे था कि जाके पहना दो। और सच में ये चीज़ ना बहुत इमोशनल होती है कि पापा की जगह कोई नहीं ले सकता है, ये तो सच है। फिर उसके बाद आके हम यहाँ पे बैठ गए गुरहेथी के लिए। यहाँ पे ना जो भसूर होते हैं वो गहने चढ़ाते हैं। चलिए गाइस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ, मेरा ये सेकेंड लुक आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। कमेंट करके, ये साड़ी बहुत पहले ली हुई थी तो मैंने सोचा कि आज पहन लेती हूँ। सो जो भसूर होते हैं यहाँ पर, जो गहने चढ़ा रहे हैं ना जो भसूर जी, उनसे उनकी परछाई टच नहीं होती है, उनको टच नहीं करते, उनका नाम टच नहीं करते। बाकी जो हमारे इसीलिए ऐसे इंसान से परछाया जाता है जो बहुत दूर के होते हैं, जिनसे ज़्यादा आमना सामना नहीं हो पाए कि उससे इंसान बरा ले, बट जो घर के होते हैं ना वो उनसे ये सारी चीज़ें नहीं कराई जाती है। तो इसीलिए जो मेरे भैया हैं यानी कि जो मेरे जेठ हैं उनसे मैं टच होती हूँ, उनके साथ बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा गहना नहीं चढ़ाया है। एक मेरी मौसी जी के बेटे हैं, उन्होंने गहना चढ़ाया है। अब यहाँ पे सबको घर निकलना है, ननद को भी, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो भी ना अब इरिटेट हो गई थी, रोना गाना शुरू कर दिया था उसने भी। Yeah.
तो ये गाना आप लोग सुन रहे हो हमारे बिहार का, जो गाना होता है ना इतना इमोशनल होता है ना कि ऑटोमेटिक आँख से आंसू निकलने लगते हैं। बहुत इमोशनल सॉन्ग होता है, पापा चाचा का नाम लेके गाया जाता है। अच्छा है कि मुझे याद आ रहा है। ना ये हमेशा होता है, पता है कपड़े चेंज करने पे इयररिंग्स या फिर रिंग ज़रूर गिरती है, और वो तो मुझे ना अचानक से याद आ गई थी। रिंग उस टाइम गिरी थी ना, तो मैंने सोचा कि ब्लाउज़ वगैरह पहन के तब उठाती हूँ, और मैं भूल गई थी वहीं पे, और वो वैसे ही पड़ा हुआ था। वो तो अच्छा है कि कोई गया नहीं, या फिर मतलब शादी ब्याह के घर होता है ना तो बहुत वो होता है, पता नहीं हाथ इतने पतले हैं रिंग्स ना अड़ते ही नहीं हैं, बट ठीक है शादी ब्याह में तो एक पहनना ही होता है तो अच्छा ही लगता है। बट भगवान की दया से ना मिल गया, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी वो हो जाता ना तो एक होता नहीं है किसी के यहाँ शादी में जाओ तो बिना मतलब का एक अच्छा रंग लगना हो जाता है, तो वही चीज़ हो जाती है। से आंख बंद करो। लिपस्टिक पहन लगा, मामी जी कदम लिपस्टिक पहन लिखी लगा के दिखा गई भाई। मामी को बुरा होता नहीं, लिपस्टिक नहीं की लगाई ना ऐसे कहते लिपस्टिक लगा ले रहती तब ले ना चल लिपस्टिक हम ना लगाए। अच्छा अच्छा को लिपस्टिक लगावे नहीं, पूरा मेकअप करावे नहीं, रौरो से ज्यादा तो देखे के पता चलता का जी। मामी जी एक हिंगर देते वो इतना उठल ना पूजा के हाल दे हम लोग हाँ हर वहाँ के लहंगा में केन बहुत ज्यादा, पूजा के लहंगा में केन हो जाए नंदारवा होके बहुत ज्यादा बैठले ना तो यही हमरो से ना बैठल जाते रहे हमारे लहंगा पहन के। तो कहत रहे होते साहब कि दू गो हमारा सुई टूट गया है तो हम ब्लाउज सिए में बाटे। दुल्हन को सच में बहुत प्रॉब्लम होती है लहंगा पहन के पूरी शादी में बैठना, देख रहे हो कितने उससे, क्योंकि इसमें इतने लहंगे में कैनकेन होते हैं ना कि मतलब बैठा ही नहीं जाता, बहुत दिक्कत से बैठा जाता है। अभी आई आरती दी बेचारी भी बहुत दिक्कत से बैठी है, मैं वही मामी जी को बता रही थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। आजकल ना हर दुल्हन का जो लहंगा है उसमें कैनकेन एक्स्ट्रा रह ही रहा है, तो दिक्कतें ना हो ही जा रही हैं, सबको ही प्रॉब्लम हो रही है। बाकी यहाँ पे सारे जो गहने हैं जो भी चढ़ते हैं, जो ससुराल पक्ष से सारे गहने कपड़े आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ती है। उसके बाद चुमावन होता है, और इस तरीके से जो गुरहेथी का रस्म है वो पूरा होता है। फिर गहने चढ़ जाते हैं तो हमारे बिहार में सारी औरतें, जैसे देख रहे हो आप लोग पीछे हम लोग कैसे खड़े होकर झांक रहे हैं, ऐसे ही झांकती हैं और देखती हैं कितने गहने आए हैं कितने कपड़े आए हैं। ये मुझे लगता है शादी के बाद हर औरत ऐसी जाती है, मुझे भी देखो मैं कैसे झांक रही हूँ। पहले मुझे भी इतना कोई मतलब नहीं रहता था ना, मैं इतना देखती थी, लेकिन जब से मेरी भी शादी हुई ना तब से मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो गया है इन सारी चीज़ों में देखने का। मैं भी घुस घुस के देखती हूँ ज़रा देखूँ क्या आया है क्या नहीं आया। अपनाया माँ के करा पारा माया
अपने भी किया भैया आराम से जो खुद बिया होता जो सीखा था नहीं साल छह महीने में पांच साल बाद एक बिया हो सात बार पांच बार सात बार क्यों हंस रही रात के बज गए थे 3:30 मुझे लग रहा है और अब हम लोग सब लोग निकल रहे हैं घर के लिए एक एक करके मम्मी रुकेंगी और पापा जी को लेके जाना है बिकॉज वहाँ घर पूरी रात ऐसे मतलब नहीं छोड़ सकते हैं लॉक लगा के तो आ गए थे हम लोग तो जाना ज़रूरी था तो फिर हमने सोचा कि मतलब कैसे जाएंगे पापा जी तो एक गाड़ी तो जानी ही थी किसी न किसी को तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ बिकॉज़ धनवी का जो दांत दर्द है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका था और वो एकदम ज़्यादा बढ़ता तो इससे अच्छा पहले ही लेके चल देती हूँ मुझे लग रहा है ना धनवी का जो दांत दर्द है वो ठंड की वजह से ऐसा बढ़ जा रहा है कि ज़्यादा ही वो हो जा रहा है तो बस यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं गले मिल रहे हैं और एक दूसरे को बाय कर रहे हैं उसके बाद घर निकलेंगे अब बस फेरे और कन्यादान सिंदूरदान और विदाई ये बाकी ऑलमोस्ट सारी रस्में तो हो ही गई हैं थोड़ी बहुत और रह गई हैं शादी की विधि तो उसमें मेन लड़के लड़की का ही होता है तो इसीलिए भी और थोड़ी ठंड ज़्यादा थी ना ओपन था तो थोड़ा मेरा एकदम हालत भी ख़राब हो गया था नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा कि फिर उसके बाद यहाँ से आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था और सच में आप लोग भी हैरान हो जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी बस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे वही हो रहा था देख रहे हो सब कांप रहे हैं एकदम इतनी तेज़ ठंड लग रही थी और ये बबनी रोए जा रही थी बहुत परेशान कर रही थी मम्मी कहाँ उसको जेब थोड़ी विक्की देख रहा है कंची नजर से कि चलो मुझे नहीं पता नहीं घर सब आएंगे घर आएंगे अब यहाँ से फ्री हो गए ना अब वहाँ भी आ जाएंगे शादी है ना मैं भी यही बोलता हूँ कौन कह रहा था विवेक कह रहा था कि इसको मारना यही सही कह रहा था इसको मुंह पे चला के मारो तो हम मार भी खा लेंगे मैं भी तो कह रहा था उसके लिए तो मैं भी तैयार आपका तो है ही आप निकी के साथ ही पढ़ी लो
मैं बोलती हूँ ना नहीं निकी है ना, कहती है 4 साल निकल पे ना। ये भाभी की मौसी की बहू हैं जिनसे हम पहली बार मिले हैं इतने सालों में शादी के बाद। तो मुंह दिखाई, मम्मी ने उस दिन दे दिया था, मैं नहीं दे पाई थी, तो इसीलिए मैंने और इन्होंने आज एक साथ दे दिया। उनको मुंह दिखाई, हमारे यहाँ ये नेग होता है जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उनको दिया जाता है। फिर उसके बाद सबसे मिले जुले और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना हुए। जल्दी बोलो जल्दी, आज अपने बहुत गुस्सा दिला है, माफ करके पिट्टी करेंगी, ठीक है? पता है क्या बोल रही है? आओगे मम्मा के पास? आओ ना, फर्क लो आप दूल्हा के पास, वो ससुराल नहीं भेजूंगी। 4 साल लगे मत बोलो वाली बात, चलते है ना। आओ मेरी गोदी आओ, अरे बहुत भारी होता है ना इधर ना, ये पूरा काम का आप तारा के हम कपड़ा पहनाओ तनी विदाई हमारे हो गए, अब हम मिले सर से 6 साल और दे दो, क्या लेके जाने होगा मैं नहीं, क्या मैं नहीं कर रही, पूरा शादी निपटा के जाए कार, मैं नहीं कर रही है और नहीं तो कहा तबियत खराब हो जाए, सो जाए सही में तबियत चलते ना आराम करके फिर सुबह आ जाइए। ए जनु बानी तारा ससुराल खानी की बगल वाला में बानी खुद के आ जाए, क्या आदमी के आरती का 3 बजे हमारे बारात आके लग जाये, कौन बजे बारात आई लता इतना लेट बारात बाप हो। अब चलो बाय, अब अगली बार मिलेगी तो यहाँ पे पूरा सिंदूर उन्दूर लगा के मिलेगी, अभी ऐसे दिख गए, अब सिंदूर के साथ दिखे, चलो बाय, अब मिलेंगे निकी शादी में, बाय निकू। सुन रही मेरी बहन, सुन रही मेरी सहेली, को पहुंचे थे 4 बजे घर और ऐसे देख रहे हो ऐसा ना फेस, ऐसा लग रहा है कि एकदम अजीब सा ही हो गया है, इतनी थकान, ये बाल खोलने में मुझे पूरा, मुझे लग रहा है पूरे रास्ता में बाल ही खोलते हुए आई थी, इतना टाइम लगा है। तो गाइस फाइनली शादी के ब्लॉग एंड हो गए और मिलते हैं आप लोगों से और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिखाया, बस यही आशीर्वाद प्यार हमेशा मेरे पे ऐसे ही बनाए रखिए।